गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आप सभी का वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। तो यार मैं आज की इस वीडियो के अंदर है ना एक स्टूडेंट है उसका रिव्यू वगैरह देऊंगा यहाँ पे रसिया में। टाइम हो गया अभी, मतलब अभी एक महीने के अंदर होने वाला है, एक महीना जल्दी होने वाला है उस भाई को। तो बात करते हैं कैसे क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक और कैसा क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो बताएंगे आप सभी को, डिटेल वगैरह शेयर करेंगे। बाकी चलो अगली जो आवाज़ उनकी रहेगी, बाकी मैं वेदर वगैरह दिखाता हूँ अभी। ये देखो ऐसा कुछ वेदर है और यहाँ पे मॉल वगैरह है और यहाँ पे देखो बस वगैरह चलती है इस साइड और यहाँ पे ये यह आगे ऐसा अपना है, बर्फ वगैरह है नहीं। और बाकी चलो अभी यहाँ पे भाई से बात करते हैं। हेलो भैया कैसे हो? बढ़िया। थोड़ा तेज बोले यार, कैसा क्या लग रहा है आपको रसिया, बताओ कैसे? ऑलमोस्ट मुझे एक महीना होने जा रहे हैं यहाँ पे और सारा सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। क्लासेस वगैरह सब बहुत अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। टीचर कैसे है, मतलब हिंदी में पढ़ाते, मतलब इंग्लिश में, मतलब इंडियन टीचर है या लोकल टीचर आपकी? नहीं, यहाँ की रशियन लोकल टीचर है जो इंग्लिश से आपको रशियन सिखाएगी और 1 घंटे 20 मिनट की क्लास होती है, हफ्ते में 2 दिन होती है। जाओ सीखो, 1 घंटे 20 मिनट आराम से क्लास लो। यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं। एक दिन क्लास होगी यूनिवर्सिटी में, एक दिन होगी कॉलेज में। अच्छा, मतलब एक दिन अलग कैंपस में, एक दिन मेन कैंपस में। यूनिवर्सिटी जाना होगा आपको, एक दिन कॉलेज में जाना होगा, 1 घंटे 20 मिनट की दोनों जगह क्लास होगी। हफ्ते में 2 दिन वो आपकी मर्जी, आप कौन सा भी चूज करो, बाकी दिन आप अपना आराम से काम करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को लेकर आपको 1% दिक्कत नहीं है। मतलब कॉलेज थोड़ी, यूनिवर्सिटी है ये पूरा? हाँ यूनिवर्सिटी है। एक दिन क्लास कॉलेज में, अलग यूनिवर्सिटी, मतलब कैंपस अलग अलग। कैंपस अलग अलग। और वेदर वगैरह कैसा लगा आपका यहाँ? बहुत शानदार है, ऑलमोस्ट मुझे होने जा रहे हैं एक महीना और सब कुछ बहुत अच्छे से सेटल्ड है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो, बाकी आप पे भी डिपेंड करता है कैसा क्या है। और अभी सर्दी वगैरह हो रही है तो कोई नहीं, अपना और क्या कुछ आपके हिसाब से क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो अभी इंडिया से स्टूडेंट आ रहे हैं? आ सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, विश्वास करके, मतलब अच्छे से पढ़ो, बैचलर्स करो, अपनी डिग्री लो, इनकम करो, सब बहुत अच्छा है यहाँ पे, आराम से रहने, कोई हरासमेंट वगैरह इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं, उल्टा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की यहाँ पे, बहुत फ्रेंडली नेचर के लोग हैं, हर कदम पे आपको हेल्प करने वाले लोग मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ बहुत अच्छा है। देखो पहले लैंग्वेज सीखो, फिर बैचलर्स डिग्री करो, फिर जरूरी है आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ सर्वाइव करना है। लैंग्वेज सीखो, फिर अपनी डिग्री कंप्लीट करो, फिर काम वगैरह करो अपना, जैसा भी है सर अपना। हाँ अगर आप आओगे तो बिल्कुल आराम से सब कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ चलो ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय कर दो, मिलते हैं जस्ट। जैसा कि आपने देख लिया होगा यार, मेरा मतलब ऐसे कुछ नहीं था कि आप बोलो, उनको जैसा लगा वो लगा। बाकी तो अभी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वगैरह आ रहे हैं, आप एडमिशन वगैरह ले सकते हो यहाँ पे। अभी MBBS का भी आने वाला है, एक दो वीडियो मैंने डाल दी, बाकी आगे डाल दूंगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, लव फ्रॉम रशिया, बाय बाय।